नमस्कार व्यूअर्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वस्थिका इन्वेस्टमार्ट की तरफ से एमपी न्यूज पे एक बार फिर हाजिर हूँ मार्केट की ताजा जानकारी लेकर के। ये पूरा हफ्ता आपका बड़ा ही शानदार रहा है, जहाँ हफ्ते के शुरुआती दो दिनों में हमने तेजी देखी थी, मध्य में आपको हल्की गिरावट और मुनाफा वसूली देखने को मिली। वहीं शुक्रवार का अंदाज ही निराला था, एक शानदार तेजी के साथ मार्केट आज अपना बंद होता हुआ हमें मिला है, जिसमें आईटी स्टॉक्स ने भरपूर जोश दिखाया। मध्य में या ये बोल सकते हैं आखिरी में मार्केट में रिलायंस ने 30 मिनटों में एक शानदार रिकवरी दिखाई और एक शानदार तेजी के साथ मार्केट 14,300 के ऊपर जाते हुए बंद होता हुआ हमें मिला है। पूरे हफ्ते में आप देखेंगे तो ऑटो और स्टील पैक ने भी एक अच्छा खासा साथ निभाया है हमें, और उसके कारण आज के दिन भी पूरी एक शानदार तेजी देखने को मिली है। बैंक निफ्टी हल्के दबाव में जरूर रहा है, बट हाँ, आगे चल के हम कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्मर होने के कारण बैंक निफ्टी में अभी और तेजी बाकी है। कंजम्पशन स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिली है। क्रूड की तेजी चलते हुए आप देख सकते हैं कि एशियन पेंट्स और पिडिलाइट जैसे स्टॉक्स में भी एक शानदार तेजी हमें मिली है। पूरे हफ्ते में अगर देखा जाए तो निफ्टी 2.3% ऊपर जाके बंद हुआ है, वहीं बैंक निफ्टी में 2.7% की तेजी देखी गई है। सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपका मेटल सेक्टर जो था वो 8.3% ऊपर रहा है, ऑटो सेक्टर आपका 5.1% और आईटी सेक्टर में 7.1% की बड़ी ही शानदार तेजी देखने को मिली। वहीं हम टॉप लूजर्स की बात करेंगे तो प्राइवेट बैंक में गिरावट देखने को मिली है, निफ्टी स्मॉल कैप में एक गिरावट देखने को मिली, और वहीं एफएमसीजी में एक मामूली गिरावट दर्ज करी गई है इस पूरे हफ्ते में। इस पूरे हफ्ते के एफएनओ गेनर्स की हम बात करें तो हिंदुस्तान जिंक ने 27% की ग्रोथ दिखाई है, श्रीराम ट्रांसपोर्ट 21%, आईडीएफसी 18% और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने 17% की तेजी दिखाई है। वहीं लूजर्स की अगर हम बात करते हैं तो डीएचएफएल 27%, आईटीसी 6.5%, बजाज फाइनेंस 3.5% और रिलायंस 2.5% के दबाव के साथ पूरे हफ्ते में एफएनओ लूजर्स रहे हैं। आगे का स्टॉक इन फोकस की अगर हम बात करते हैं तो आज आईटी दिग्गज टीसीएस के नतीजे हैं, और उसके कारण आईटी के जितने भी हमारे हैवीवेट स्टॉक्स हैं जैसे एचसीएल टेक हो गया, टेक महिंद्रा है, इन्फोसिस, विप्रो, बड़े ही शानदार तेजी के साथ इन स्टॉक्स ने एक मोमेंटम हमें दिखाया है और आगे भी यही तेजी जारी रह सकती है। अगले हफ्ते में भी आईटी की दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट वीक में भी आईटी एक आउट परफॉर्मर की तरह परफॉर्मेंस दे सकता है। हमारी तरफ से निवेशकों को यही सलाह है कि बजट का सत्र है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बजट और बजट से जुड़े हुए सारे स्टॉक्स पे ही फोकस रहें, तभी पैसा बनेगा। मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वस्थिका इन्वेस्टमार्ट की तरफ से धन्यवाद। Investment and securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.